हेलो एंड वेलकम टू आई आई टी एन एक्सप्रेस तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एनवस्थी लेवल वन मोल कॉन्सेप्ट का एलेवेंथ क्वेश्चन है ठीक है ये क्या कह रहा है कि स्प्रीन हैज द फॉर्मूला सी नाइन एच एट ओ फोर देन हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन ए टैबलेट वेइंग थ्री सिक्सटी मिलीग्राम एस्परिन क्या है एक मेडिसिन है एक ड्रग है इसको हम क्यों यूज करते हैं टू रिड्यूस द फीवर और टू रिड्यूस द माइल्ड और मॉडरेट पेन ठीक है और एस्प्रीन का आपको केमिकल फार्मूला गिवन है ठीक है और उसका ये आप कह लीजिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है मतलब ये एक मॉलिक्यूल है एस्परिन का जिसमें नाइन कार्बनस हैं एट हाइड्रोजन्स हैं एंड फोर ऑक्सीजन है और आपको बोला जा रहा है कि एस्पिरिन का 360 मिलीग्राम लिया गया है और उतने में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे तो पहले आप ऑब्जर्व करिए इसके केमिकल फार्मूला को और से मॉलिकुलर फार्मूला को जिसमें नाइन कार्बन है एट हाइड्रोजन है और फोर ऑक्सीजन है तो एक मॉलिक्यूल में यहाँ से आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल में चार ऑक्सीजन एटम्स हैं। एस्पिरिन के एक मॉलिक्यूल में चार ऑक्सीजन एटम्स हैं तो 360 मिलीग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय फोर और वहाँ से आपको मिल जाएगा कि टोटल ऑक्सीजन एटम्स 360 मिलीग्राम में कितने होंगे तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको पता करना है कि 360 मिलीग्राम में कितने मोल्स होंगे अगर आप मोल फाइंड कर लिए तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और जब आप पता कर लें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो फाइनली आप क्या पता कर सकते हैं कि कितने एटम्स होंगे ठीक है तो आप यहाँ से पहले क्या कर लीजिए कि मोलार मास निकाल लीजिए इसका इसका मोलार मास कितना होना चाहिए नाइन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व क्योंकि ये कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो 9 कार्बन मल्टीप्लाइड बाय नाइन प्लस एट मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटीन आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 108 जीरो एट प्लस एट प्लस सिक्सटी और इट इज़ गोइंग टू बी वन 180 ग्राम तो इसका मोलार मास कितना हो गया 180 ग्राम और इसका वेट कितना गिवन है आपको थ्री सिक्सटी मिली ग्राम फर्दर आप इसको लिख सकते हैं थ्री सिक्सटी इंटू टेन पावर माइनस थ्री ग्राम तो वेट इतना है मोलर मास इतना है और यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास और ये क्या आने वाला है वेट कितना है 360 सिक्सटी इंटू टेट पावर माइनस थ्री ग्राम डिवाइडेड बाई वन ग्राम और यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू इंटू टेंट द पावर माइनस थ्री मोल्स ठीक है तो 360 ग्राम में इतने मोल्स हैं अगर अब आपको मोल्स मिल गया तो आप क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं कैसे विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला एन इजल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एन ए कैपिटल एन क्या होता है नंबर ऑफ़ आयंस नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनी पार्टिकल्स ठीक है ये कितना है आपको पता चल गया है टू इन टें पावर माइनस थ्री ये क्या है एवगैड्रो नंबर इसकी वैल्यू कितनी होती है सिक्स पॉइंट जीरो पावर ट्वेंटी थ्री तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल टाइम्स एव गो नंबर इट इज इक्वल्स टू वाट टू इन टू टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन द पावर ट्वेंटी थ्री और यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एस्प्रिंग मॉलिक्यूल्स कितने हैं थ्री सिक्सटी मिलीग्राम में ठीक है तो क्या आने वाला है आप देख लीजिए कैलकुलेट करिए फोर फोर जीरो एंड ट्वेल्व ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन टू ट्वेंटी बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होगा एट हो जाएगा ट्वेंटी थ्री प्लस इन ब्रैकेट माइनस थ्री तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस और कितना हो जाएगा ट्वेंटी तो इतने आपको क्या मिल गए हैं एस्प्रेन मॉलिक्यूल्स इन 360 सिक्सटी मिलीग्राम ऑफ एस्प्रेन अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे तो आप सिंपली यूनिटरी मेथड अप्लाई करिए कि एक मॉलिक्यूल में चार एटम्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे सिंपल क्या है यूनिटरी मैथड कितने हो जाएंगे फोर से मल्टीप्लाई कर देना यार ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर फोर इंटू टेन रेज टू ट्वेंटी और ये कितना आने वाला है सिक्स एंड सिक्स एंड वन

थ्री सिक्सटी मिलीग्राम ऑफ एस्प्रीन टैबलेट तो ऑप्शन मैच कर लीजिए और ऑप्शन किससे मैच कर रहा है ऑप्शन डी से ओके सो होप यू गॉट द आंसर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे